तो यार आज मैं ना आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जैसे दो वो रहता है, एक तो यहाँ पर ये वेस्ट वाटर का रहता है कि जो फ्लो को दिखाता है कितना है, और ये रहता है आपका आरओ वाटर का कि आपको आरओ वाटर का फ्लो कितना। तो ये ना बहुत कभी कभार गंदा हो जाता है, बेसिकली पानी जाते जाते अगर रेगुलर साफ़ नहीं हो तो गंदा हो जाता है। तो इसको साफ करने का उपाय ये है कि सबसे पहले ना इसको हल्का सा खोल लेंगे। इसको हमने हल्का सा ढीला कर लिया है तो इसलिए हल्का हल्का ये खुल रहा है। तो इसको यहाँ से हल्का हल्का ढीला कर लेना है, खोल लेना है, इसको यहाँ पर से निकाल लेना है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि जैसे अगर ये वाला अगर इसमें कुछ फंस जाएगा तो जिसके कारण ये आपका फ्लो कम दिखाते रहेगा, कॉटेज आपका सही रहेगा तो कभी मालूम नहीं चल पाता है। तो इसको बीच बीच में हल्का हल्का कई बार साफ़ कर लेना चाहिए अगर बहुत ज़्यादा गंदा है तो। और जो यहाँ पर जो ये रहता है और यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है और ये इन दोनों को छेड़छाड़ नहीं करना रहता है वरना फिर आपको मालूम भी नहीं चलेगा। तो खैर इसको हम लोग साइड में रखे उसको साफ़ करते हैं। तो अब नहीं यार, यहाँ पर हम पतला कपड़ा लेके आए हैं, इसको हल्का हल्का प्लेस में डालते हैं, उसके बाद फिर इसको पेचकस ऐसे से अंदर कर। और इसको ना बहुत ध्यान से बैठाना रहता है। यहाँ पर ना एक छोटा सा एक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर होल जैसा, इसी होल में इसको बैठाना रहता है। इतना नीचे तो बेसिकली कुछ जा नहीं सकेगा क्योंकि यहाँ पर कुछ बहुत बारीक रहता है, यहाँ पर लाइट कम है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला, हमको इसमें इसको आराम से धीरे धीरे करके डालना है। और ये आराम से काफ़ी चला गया अंदर। और इसको हमें बस केवल टाइट कर देना है, उसके बाद फिर हम लोग का ये मशीन रेडी हो गया। बस आपको जब भी इसको फंसाएं तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा अगर टाइम लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पहला बार कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको टाइम लग जाए। और इस तरह के मेरे पास इसको हल्का सा कस लेते हैं, ज़्यादा इसको टाइट भी नहीं करना वरना टूट भी सकता है ये, तो एकदम धीरे धीरे ही करें। ये यहाँ पर क्लीन भी पहले से काफ़ी हो गया है यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया था। अब इसको हम लोग चालू करके देखते हैं।